बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। लाखों ऐसे छात्र हैं जो इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उनको बड़ा झटका लगने वाला है और वो फेल होने वाला है। तो ऐसे कौन से वो बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे छात्रों को भारी नुकसान होने वाला है। तो आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए 4 नए नियम लागू किए थे, लेकिन उन नियमों का फायदा बच्चों को होता नहीं दिख रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार CBSE समेत सभी बोर्डों ने अपना परीक्षा पैटर्न लागू कर दिया है। 2025 बोर्ड परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। हर साल बोर्ड परीक्षा फरवरी से अप्रैल महीने तक संपन्न कराई जाती हो, वो फिर चाहे CBSE हो, ICSE हो, UPMP बिहार समेत किसी भी बोर्ड की परीक्षाएं हो, वो फरवरी से अप्रैल महीने में संपन्न करा ली जाती हैं। CBSE की बात करें तो CBSE ने सबसे बड़ा बदलाव किया है। इस बार 2025 बोर्ड परीक्षा में एग्जाम 2 बार होंगे, बच्चों को 2 बार बोर्ड परीक्षाएं देनी होंगी, लेकिन उनको सब्जेक्ट और रिजल्ट चुनने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। वो चाहेंगे तो छमाही का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं या फिर सालाना का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं, या फिर दोनों में से जिस पे भी उनका परसेंटेज ज्यादा बनता है उस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट की मार्कशीट उनको मिल सकती है। इसको लेकर CBSE ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के इस पर सुझाव भी मांगे हैं, जिससे 2025 से ये पैटर्न लागू किया जाए और छात्रों का भविष्य अच्छा हो सके। सबसे पहले बता दें, यूपी बोर्ड में करीब 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हर साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षाओं में काफी बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा फरवरी महीने में आयोजित कराई जाएंगी।